हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की यूनिट फर्स्ट को आज हम कम्प्लीटली डिस्कस कर ही लेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट इन मेडिसिनल प्लांट एंड बायो पेस्टिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड। तो अभी तक आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो मैं आई बटन पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाके इजीली देख सकते हैं एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। तो आप पहले उसे देखे हैं, देन आप इस लेक्चर को देखें। और पहले जो काम करते हैं वही कर लो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना यार, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा बहुत। अब हम बात करते हैं पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट इन मेडिसिनल प्लांट। आप सभी ने न्यूज़ सुनी होगी, तो पहले क्या हुआ था कि जब बहुत सारे टिड्डे थे वो आपकी फसल पर अटैक करते थे, आपकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद करते थे। तो वही सारी चीज़ें देखेंगे, कौन कौन से ऐसे इंसेक्टिसाइड होते हैं, वो कौन सी डिजीज हमारे प्लांट में कॉज करते हैं। तो पेस्ट इज एन अनडिजायरेबल एनिमल, वो पेस्ट कैसे हैं आपके अनडिजायरेबल एनिमल जो हमारी प्लांट के लिए अच्छे नहीं है। प्लांट और प्लांट विच कॉज लॉस ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, मतलब सिंबल्स ये कि वो एनिमल जो हमारे प्लांट के लिए अच्छे नहीं है, वो हमारे प्लांट में कोई ना कोई बीमारी पैदा करते ही हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ पेस्टिसाइड आपके सबसे पहला होता है फंगी एंड वायरस, जिसे आप सभी जानते हैं। फंगी जैसे ऑल्सो इंक्लूड वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड विच इनहिबिट द प्लांट ग्रोथ एंड कॉज लॉस ऑफ क्वालिटी एज वेल एज क्वान्टिटी। इसका मतलब है कि वो फंगी या वो वायरस या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके प्लांट की ग्रोथ को कम करते हैं, मतलब प्लांट को ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो नहीं होने देते और उसकी क्वालिटी भी बेकार कर देते हैं, और जो जिससे हमें फल मिलेगा वो भी बेचारा सड़ा हुआ मिलता है, कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अब जैसे आपकी ऐसा कोएटेडा एट्रोपी, ये क्या करता है आपके नेक्रोसिस करता है आपके प्लांट की लीफ में, एंड ये नेक्स्ट वन होता है आपका प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनमें स्पॉट डिजीज करता है, मतलब बहुत सारे आपने देखा होगा आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो ये क्या करता है आपकी जो प्लांट होती है उनकी लीव्स में आपके छेद कर देता है बहुत सारे। ठीक है, आप सभी ने देखा भी होगा, ये ज़्यादातर किसमें होता है आपकी जो मिर्च की फसल की जाती है उसमें ज़्यादा देखा जाता है। एंड नेक्स्ट वन होता है आपका इंसेक्ट, इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में आपका सच एज फ्लेरा वेटल होती है आपकी स्क्रीन पर देखी जाए, एंड ग्रास ऊपर, ये आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, आपकी स्क्रीन पर ये सारे के सारे हैं वो दिख जाएंगे। एंड स्पाइडर एंड कट वॉर्म एक्सेट्रा ऑल्सो प्रोड्यूस लॉस ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। थर्ड वन है आपका नॉन इंसेक्टिसाइड पेस्ट। नॉन इंसेक्टिसाइड पेस्ट कैसे, क्लासिफिकेशन टू टाइप्स, एक होता है बैटरी वेट्स की बेस पे, जैसे एनिमल लाइक रेट होता है आपका, जो नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि आपके कोई भी फसल है आपने घर पे लेके रख दिया, आपने कहीं भी किसी भी जगह स्टोर किया, तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, चूहे आपके उन्हें फाड़ देते हैं और उन्हें बेकार कर देते हैं। एंड आपके मंकीज होते हैं, बंदर होते हैं आपके, और बर्ड्स होती हैं, रेबिट होते हैं, स्क्वेल होती हैं आपकी, एंड पिक्स एक्सेट्रा। अब इनवर्टिब्रेट्स में कौन से एनिमल आते हैं, जैसे क्रेब्स होते हैं आपकी, स्नेल होते हैं, माइट्स होते हैं, एंड निमेटोनेट्स निमोटेट्स। अब देखते हैं क्या क्या ऐसे मेथड होते हैं जिनसे हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल या पेस्ट मैनेजमेंट, तो आपके चार मेथड होते हैं सिंपली, मैकेनिकल मेथड, एग्रीकल्चर मेथड, केमिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड। अगर अब हम एक एक करके इन सभी मेथड को डिस्कस करेंगे, तो मैकेनिकल मेथड की बात करें तो पिकिंग एंड ट्रैपिंग ऑफ पेस्ट बाय लैंड एंड डिस्ट्रॉय देम एंड रिमूव दी पेस्ट और होल प्लांट दैट इज डिजीज। इसका मतलब है इसमें हम क्या कर सकते हैं आपका, कि अगर आपको बताया कि इस प्लांट में आपके कोई भी वायरस लग गया है या फंगी लग गई है, जिसकी वजह से आपके जो उसके पड़ोस वाले जो प्लांट है वो भी आपके ख़राब हो रहे हैं, तो आपको एक काम करना है, उस प्लांट को जिसमें आपके ज़्यादा फंगी लगी है उसे आपको हटाना है, जिसमें ज़्यादा आपके बैक्टीरिया लगे हैं उसे आपको हटाना है, देन आपको उसे डिस्ट्रॉय कर देना है। अब नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर मेथड में क्या है आपका, प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड वाटर ग्रोथ पेस्ट रेसिस्टेंस वेराइटीज़, मतलब आपको एग्रीकल्चर मेथड में हाइब्रिड, जो हाइब्रिड वेराइटी के जो प्लांट होते हैं उन्हें लेना है सीधा सा। हाइब्रिड वेराइटी के जो प्लांट होते हैं उनमें बहुत ही कम होते हैं, वो बहुत ही कम लगते हैं।
एंड नेक्स्ट वन आता है जैसे कि आपका कैचुआ वगैरह वहाँ पे आपको डाल देने हैं तो भी आपका प्लांट अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। नेक्स्ट वन है आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है, केमिकली कंट्रोल पेस्ट बाय यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड। मतलब अगर आपकी भी फंगी लग गई है आपके प्लांट में तो आप फंगीसाइड यूज कर सकते हैं, इंसेक्टीसाइड यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आपके मार्केट में बहुत सारे केमिकल आते हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में हम देखेंगे सर्टेन प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स, बर्ड्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी यूज फॉर दी कंट्रोल पेस्ट लाइक पीकॉक। अब पीकॉक को जो आपका मोर है उसे हम क्या बोलते हैं, किसान का एक दोस्त बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है आपके लिए अच्छा होता है, आपकी जो फसल में जो कीड़े लग जाते हैं उन्हें वो खाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे जो एनिमल होते हैं वो सारे के सारे बेकार होते हैं। आपके कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं, आपके कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं, ऐसे पैरासाइट्स भी होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो आपकी फसल के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कैचुआ है, वो आपकी फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है। अब जैसे सिंपल अपनी ही बॉडी में मान लो, तो हमारे जैसे लैक्टोबेसिलस होते हैं, वो लैक्टोबेसिलस हमारे लिए कितने यूजफुल होते हैं, वो हमारे लिए दही बनाते हैं भाई, और हमारी बॉडी में यूज भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो इसलिए क्या है, वो हमारे लिए एक सुइटेबल बैक्टीरिया है। अब देखते हैं बायो पेस्टिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड क्या होता है। बायो पेस्टिसाइड और बायो इंसेक्टिसाइड की बात करें तो इन्हें बेसिकली तीन टाइप से डिवाइड किया गया है। बायो मतलब होता है लिविंग, पेस्ट मतलब होता है एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और थिंग दैट अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपकी फसल को अगर हार्म पहुंचा रहा है तो इससे क्या है कि वो आपके लिए एक पेस्ट का काम कर रहा है, मतलब एक पेस्टिसाइड का काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारी प्लांट के लिए बेकार हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो हमारी प्लांट के लिए अच्छे भी होते हैं। तो मानो ये पेंसिल है, अगर मैं इसे तोड़ूं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक पेस्टी से काम करूंगा, क्योंकि मैं इसका काम खराब कर रहा हूं, मैं इसे लिखने नहीं दूंगा, इसे तोड़ दूंगा मैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो क्या होगा, मैं इसके लिए एक पेस्ट काम कर रहा हूं, तो मैं कैसा हूं, एक बुरा पेस्टी हूं, मैं एक बुरा माइक्रोन्स हूं जिसके लिए मैं इसे तोड़ रहा हूं। तो सिंपल सी बात है। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बायो पेस्टिसाइड आर सर्टेन टाइप ऑफ पेस्टिसाइड दैट आर ड्राइव फ्रॉम नेचुरल मटेरियल लाइक प्लांट, बैक्टीरियल, फंगी, वायरस एंड सर्टेन मटेरियल। इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम पेस्ट को किल करते हैं, उसे हम बायो पेस्टिसाइड बोलते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब उसमें वो आपका कुछ भी हो सकता है, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी हेल्प से हम पेस्टिसाइड को किल करते हैं, उसे हम बायो पेस्टिसाइड बोलते हैं। अब इसकी एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या क्या होते हैं। व्हेन यूज्ड एज द कंपोनेंट ऑफ आईपीएम प्रोग्राम, आईपीएम क्या है आपका, इंटरग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, बायो पेस्टिसाइड कैन कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली। आईपीएम का जो मतलब होता है बेसिकली कि अगर हम किसी भी पेस्ट को किल कर रहे हैं तो हम ऐसे किल करें, उसे ऐसे कंट्रोल करें हम कि हमारे जो इन्वायरमेंटल है, हमारा जो वातावरण है, उसमें कोई भी हानि ना हो। को क्या बोलते हैं आपका, आईपीएम बोलते हैं, मतलब इंटरग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, जिससे कि हम पेस्ट भी मर जाता है और हमारे इन्वायरमेंट में भी कोई प्रदूषण वगैरह नहीं होता। नेक्स्ट वन है आपका लेस हार्मफुल एंड लेस इन्वायरमेंटल लोड, मतलब दूसरा जो प्लांट है उसमें कोई भी आपकी टॉक्सिसिटी कॉज नहीं होगी। डिजाइन टू अफेक्ट ओनली वन स्पेसिफिक पेस्ट और इन सम केसेस अ फ्यू टारगेट ऑर्गेनिज्म। जनरली हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपके केमिकल्स का यूज ज़्यादा करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा टारगेट जो होता है, जिस जिस बैक्टीरिया को हमें मारना है, जिस जिस प्लांट से हमें उस बैक्टीरिया को रिमूव करना है, वो तो हमारा किल नहीं हो पाता, बट उसके साथ जो हमारे बेनिफिशियल जो आपके बैक्टीरिया होते हैं बेचारे, वो मर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये हमारे लिए एक हार्मफुल इफेक्ट शो कराता है, तो हमें ज़्यादा केमिकल की तरफ नहीं मारना चाहिए। अब नेक्स्ट है दे आर नेचुरली अकरिंग सो डिकम्पोज क्विकली, ये नेचर के थ्रू ही आपके डिकम्पोज हो जाते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ टाइप हैं बायो पेस्टिसाइड के, जिन्हें तीन टाइप में डिवाइड किया गया, आपके माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, बॉटेनिकल पेस्टिसाइड एंड बायोकेमिकल पेस्टिसाइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, आप देख के लिख सकते हैं। एंड माइक्रोबियल पेस्टिसाइड की अगर बात करें तो इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एक्सेट्रा, बहुत सारे आपके माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और टॉक्सिक प्रोड्यूस बाय दी दीज ऑर्गेनिज्म एंड कंट्रोल माइक्रो
माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, मतलब आपके बहुत सारे ऐसे वायरस बैक्टीरिया फंगी भी होते हैं जो टॉक्सिसिटी को कॉज करके उस जो आपका बेकार बैक्टीरिया आपका जो पेस्ट है उसे किल करने का काम करते हैं, और किसी भी माइक्रोबियल पेस्टिसाइड पर कंट्रोल करने का काम करते हैं, उसे हम माइक्रोबियल पेस्टिसाइड बोलते हैं। अब जैसे ये हैं आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा क्या होता है, ये बायोफंगिसाइड की तरह हमारे में यूज़ होता है ये। अब नेक्स्ट मेथड है बॉटेनिकल पेस्टिसाइड, मतलब प्लांट पेस्टिसाइड भी हम बोल सकते हैं। नेचरली अकरिंग प्लांट मटेरियल दैट आर कंट्रोल पेस्टिसाइड, मतलब पेस्टिसाइड को मारने में हमारी हेल्प करते हैं और हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। तो जब ये आपके ऑप्टन होता है आपके नीब, नीब से मिलता है, नीब तमाकू तुलसी ये सारी चीज़ें हमारी नीब तमाकू तुलसी यहाँ से हमारी यूज़ की जाती हैं। अब जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अगर दाढ़ में दर्द होता है तो बोलते हैं कि तमाकू रख लो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका बायोकेमिकल पेस्टिसाइड, इसमें क्या होता है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस टू कंट्रोल पेस्ट बाई नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म, मतलब जो नेचर के द्वारा ही आपके आते हैं और आपके पेस्ट पर कंट्रोल करते हैं, बट ये आपके कोई भी टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करते, कोई भी टॉक्सिक मैकेनिज्म इनका नहीं होता। अगर नेक्स्ट देखें तो किल पेस्ट बाई नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म, मतलब ये पेस्ट को नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म के थ्रू भी आपके किल कर देते हैं। आज हमने अपनी यूनिट फर्स्ट को फाइनली कंप्लीट कर ही लिया है, तो अब आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का, जो कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपकी यूनिट थर्ड, जो आपके सेमेस्टर और आपके किसी भी सेशनल के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने यूनिट फर्स्ट आपकी क्वालिटी एश्योरेंस की डिस्कस कर ली है, अब क्वालिटी एश्योरेंस की यूनिट थर्ड को हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो क्वालिटी एश्योरेंस का 70% जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड से आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, एंड अपने कम्युनिटी टैब में डेली एमसीक्यूज आते रहते हैं, जिससे कि जीपैट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो इसलिए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना, तभी आपको वो सारे एमसीक्यू मिल पाएंगे। कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू स्टेशिफ एंड गुड बाय।